हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सबके सब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग फोटोशॉप के एक अहम टूल रिफाइन एज के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफाइन एज क्या होता है, इसका क्या यूज़ होता है फोटोशॉप में, तो उसका यूज़ हम लोग सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उस फोटो को ओपन कर लेते हैं जिसके लिए रिफाइन एज का इस्तेमाल करना है। तो चलिए ये यूज़ कर लेते हैं। जी हाँ, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्विंस कर दूँ कि रिफाइन एज का मतलब ये होता है कि जिस तरह से पेंट टूल से किसी इमेज को आप कट करते हैं या किसी और तरह का कुछ भी लैसो टूल, मैंने बताया था लैसो टूल का यूज़ करते हैं या फिर आप मार्की टूल का यूज़ करते हैं कट करने के लिए, उसी तरह से जैसे यहाँ पे बालों का जो है इफेक्ट आप देख रहे हैं, इतने बिखरे हुए बाल हैं, इसको कट करना पेंट टूल से या किसी भी टूल से पॉसिबल नहीं। आप जब भी कट करेंगे तो बाल कट हो जाएगा और इस तरह से आप वो इतना बेहतरीन नहीं इमेज को कट कर पाएंगे। तो इसके लिए यूज़ होता है रिफाइन एज का। तो उसे कैसे यूज़ करेंगे, मैंने आपको कहा था सबसे पहले कि आप ओरिजिनल जो आपका इमेज है कभी भी उसे छेड़छाड़ ना करें। सबसे पहले उसे कॉपी, उसका एक कॉपी बना लें, कंट्रोल जे से भी कॉपी होता है, और इस को ड्रैग करके लाके आप लेयर पे छोड़ दें, एक कॉपी बन जाएगी। तो शॉर्टकट भी आप याद रखें और इस तरह के शॉर्टकट्स का आप हमेशा यूज़ करते रहें, इससे काम में भी तेज़ी आएगी और काम का करने का एक अलग अंदाज भी बन जाएगा। तो इस तरह से हमने, अच्छा दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको और मैं बता दूँ कि देखें, होता ये है कि जिस इमेज का मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, एक्चुअली रिफाइन एज का मतलब ये होता है कि आप रिफाइन एज करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है इसे हटा करके किसी दूसरे बैकग्राउंड पे इस फोटो को ले जाना चाहते हैं आप। तो उसको ले जाने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले उस बैकग्राउंड को आप ले आएँ जिस बैकग्राउंड को आपको जिस बैकग्राउंड पर सेट करना है। तो उस बैकग्राउंड को सबसे पहले यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि जब आप रिफाइन एज करते हैं तो आपका सिलेक्शन जैसे 80% आपका हुआ है, तो 80% 90%, तो अगर आप कभी कभी क्या होता है कि आप इसी में उलझ जाते हैं, रिफाइन आप जो सिलेक्शन कर रहे हैं उसी में आप उलझ जाते हैं और आपको ये पता नहीं होता है कि मुझे कितना करना है, कितना रिफाइन करना है नहीं करना है, और बाद में जो बैकग्राउंड पे आपको सेट करना होता है तो वहाँ पे फिर वो अटपटा सा लगता है देखने। तो पहले अगर आप उसी बैकग्राउंड को पहले अगर उस लेयर के नीचे अगर ओपन कर लें तो तब अगर रिफाइन एज करें तो आपको एग्जैक्ट पता होगा कि मुझे इस बैकग्राउंड पर इतना करना है और आपके सामने वो होगा और आप डायरेक्टली उस पर काम कर रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पे एक लेयर ओपन कर लेते हैं। चलिए एक और न्यू ट्रिक है जो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे इस पे अगर आप अलग से लेयर ओपन करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, तो इस लेयर के ऊपर ओपन होता है, लेकिन अगर मुझे इसके नीचे ओपन करना है तो क्या करेंगे, इसके नीचे ओपन करना है तो या तो इस पे जाकर करेंगे, लेकिन मैं इसी लेयर पे रहते हुए और इसको एक न्यू लेयर ओपन करना चाहता हूँ, यानी कि मैं इसी लेयर पे हूँ और इसके नीचे, तो कंट्रोल प्रेस करें कीबोर्ड से और न्यू लेयर पे क्लिक कर लें, ये ऑटोमेटिक आपके नीचे यानी आप जिस लेयर पे थे उसके नीचे एक लेयर ओपन हो जाएगी। अब इस लेयर पे मैं बैकग्राउंड चेंज कर लूँ, यानी जिस बैकग्राउंड पे मुझे इस फोटो को लेके जाना है वो बैकग्राउंड में, या तो आप अपना खुद का बैकग्राउंड बना लें, बैकग्राउंड आप बना सकते हैं, जैसे आपका ये कलर है कलर फिल कर लें, जैसे ये दो कलर है इसको फिल कर लेते हैं, फिल्टर में जा करके आप यहाँ से रेंडर ले लें, रेंडर से क्लाउड कर लें, तो ये आपका एक बैकग्राउंड, जैसे आप इसे क्लोज करके देख लें, देखिए इस तरह का एक बैकग्राउंड तैयार हो गया है। तो आप इस तरह का बैकग्राउंड भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या करें कि दूसरे बैकग्राउंड को आप इस पे सेट कर सकते हैं। जैसे फाइल में गए आप, कोई भी इमेज को जिसको आप बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, सपोज जी हाँ, चलिए इस तरह का एक बैकग्राउंड है, इसे ओपन कर लेते हैं। जी देखिए ये बैकग्राउंड हो गया, अब इसे क्या करेंगे, तो
तो इस तरह से मेरा एक बैकग्राउंड ओपन हो गया, आप इसे क्लोज करके देख लें, ये मेरा बैकग्राउंड आ गया। तो आप इस बैकग्राउंड पे भी काम कर सकते हैं, तो आपके हिसाब से जिस बैकग्राउंड पे आपको जैसे करना हो आप वैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए किसी भी एक बैकग्राउंड पे काम कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो मैं सिर्फ बताने के लिए आपको बता दिया था कि आप इस पे कोई भी बैकग्राउंड जो आप चेंज करना चाहते हैं उसे ला करके और उस पे काम कर लें। तो अब देखिए मेरा बैकग्राउंड ये तैयार हो गया, इस पे मुझे इस इमेज को कट करके लाना है। अब मैं यहाँ से सबसे पहले सिलेक्शन बनाना होता है। आप पेन टूल से सिलेक्शन बनाएं, या लासो टूल से सिलेक्शन बनाएं, या मैजिक वैन टूल से सिलेक्शन बनाएं, या फिर क्विक वैन टूल से सिलेक्शन बनाएं, किसी से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इजी वे में जो जल्दी बना दे सिलेक्शन, क्योंकि मुझे रफ़ सिलेक्शन बनाना है, फाइन सिलेक्शन तो मैं रिफाइन से कर लूँगा, तो यहाँ पे एक रफ़ सिलेक्शन बनाना है, तो वो सबसे पहले बना लेते हैं। जी हाँ, यहाँ से ऐड पे अभी नहीं क्लिक करते हैं, सबसे पहले यहाँ से ओके 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 ओके। एक्चुअली देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं इस लेयर पे, अगर आप अपने ओरिजिनल लेयर पे नहीं है तो आपका प्रॉब्लम यही होगा कि से वो, क्योंकि मैं इस लेयर पे रहूँगा तो सिंगल कलर है तो कहीं पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे जिस लेयर पे मैं हूँ उस लेयर पे सिलेक्शन करूँगा। तो इस तरह से आप सिलेक्शन बनाएं। अब एड टू सिलेक्शन में आप आ जाए, यहाँ पे आप ज़रूर देख लें एड टू सिलेक्शन में आप हैं, तभी क्योंकि ये सिलेक्शन बार बार आप क्लिक करेंगे तो एड टू सिलेक्शन नहीं रहेगा। तो फिर वो जब, अगर देखिए ये एड टू सिलेक्शन नहीं है और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये हट जाएगा, फिर अगर एड टू सिलेक्शन कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा। इस तरह से ऐड हो गया ये, तो आप इस तरह से ये हो गया, थोड़ा सा ये है, जी हाँ ये ऐड हो गया सब तरफ से। अब ये सिलेक्शन तो बन गया, लेकिन ये आउटसाइड सिलेक्शन है, मुझे ये सिलेक्शन, ये जो लड़की है इसका सिलेक्शन मुझे बनाना है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे, इससे इनवर्स हो जाएगा, यानी ये सिलेक्शन जो बाहर बाहर दिख रहा था आउटसाइड में, ये सिलेक्शन मेरा इनवर्स हो गया है। अब देखिए ये बालों का सिलेक्शन कर लिया, इस तरह से बालों के सिलेक्शन को, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है रिफाइन एज का, यानी आपका जो सिलेक्शन बना है इसके प्रॉपर्टीज में एक रिफाइन एज होगा, आप रिफाइन एज पे क्लिक करेंगे। इस तरह से मैंने क्लिक किया, अब एक यहाँ पे विंडो खुलेगा, इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। रिफाइन इसका एक्चुअली में होता क्या वर्क है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आप शो रेडियस में अगर कर दूँ तो देखिए आपको ये जो दिख रहा है, यानी कि ये जो कलर है पिछले बैकग्राउंड का, जो पहले इमेज बैकग्राउंड में कलर था वो दिख रहा है, बालों के साइड से इसमें ये दिख रहा है, इसी चीज़ को हटाने का काम है रिफाइन एज जिसे कहते हैं, यानी ये जो एज है इसको हटाना है मुझे। तो ये आपको कैसे हटाना है इसका यूज़ मैं बताता हूँ। यहाँ से देखिए इस पर आप क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद आपको फोटोशॉप कुछ ऑप्शन देता है, यानी कि आप जो पहले का बैकग्राउंड है आप उसी तरह का रखना चाहते हैं, या ओवरले दूसरा कलर का ओवरले करना चाहते हैं, ब्लैक पे रखना चाहते हैं, या वाइट पे, या फिर ब्लैक एंड वाइट मास्क पे रखना चाहते हैं जैसे, या फिर आप अपने लेयर पे रखना चाहते हैं। ये एक ऑप्शन दे रहा है ऑन लेयर्स, यानी कि हमने जो लेयर्स इसके नीचे बैकग्राउंड में रखा है उस पे मैं रखना चाहता हूँ। तो इसे सिलेक्ट करके कहीं पे बाहर क्लिक कर लें, ये सिलेक्ट हो गया आपका। अब उसके बाद यहाँ पर आता है रेडियस का, कितना रेडियस रखना है, तो ऑलमोस्ट 30-35 के बीच में रखें तो आपका जो रिफाइन एज है वो बेहतरीन होगा। तो 30-35 के बीच में आप कहीं पे भी रख लें, चलिए 30 रख लेते हैं यहाँ पे। अब इस स्मूथनेस यहाँ पे, यानी कि जो आपका रिफाइन होगा वो उसका स्मूथ कितना रखना चाहते हैं आप, तो इसको भी आप वही रखें और 25 से 30 के बीच में आप रखें, 25-30 के बीच में रखें। फेदर जो यहाँ पे होता है, फेदर का काम होता है कि बी जो चीज़ें बैकग्राउंड में थी और अभी जो मैं बना रहा हूँ उन दोनों के बीच के फासले को ख़त्म करना होता है। तो फेदर को मैं आप 50-56 या 60 के बीच में रखें, 50-60 के बीच में फेदर को रख लें। कंट्रास्ट को ना रखें, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल कलर है वो उसी कलर में हेयर रहे, दूसरे कलर में चेंज ना हो, कंट्रास्ट को वैसे ही रहने देते हैं। शिफ्ट एज को आप +5 के आसपास रखें, ज़्यादा ना रखें इसे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन नीचे भी एक होता है, इसे जब आप बंद कर देंगे तो ये नहीं दिखेगा, डिकंटिन्यूड कलर्स जो है इसका अमाउंट आप
25 और 30 के बीच में रखें, ये बेहतरीन होता है। यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, जब इसे आप ओपन करते हैं तो फोटोशॉप कुछ और ऑप्शन देता है, यानी कि आप न्यू लेयर पे रखना चाहते हैं, यानी जो आपका रिफाइन एज बनेगा, ये जो आपका लेयर्स दिख रहा था इसके बारे में बता रहा है कि आप नए लेयर पे बनाना चाहते हैं या न्यू लेयर विद लेयर मास्क, न्यू डॉक्यूमेंट विद लेयर मास्क। तो आप किस तरह से बनाना चाहते हैं, तो आप अगर नए लेयर पे बनाना चाहते हैं, न्यू लेयर इज द बेस्ट ऑप्शन, आप न्यू लेयर पे बना लें। चलिए, ये कर लेने के बाद अब काम अभी यहाँ पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पे काम पूरा तब होगा जब आप यहाँ से, एक ऑप्शन है ब्रश का, ये ब्रश हमने ले लिया, ब्रश पे क्लिक कर लें आप, यानी ये प्रॉपर्टीज हमने सेट कर लिया। अब ब्रश लेकर के क्या करेंगे, इसके बाहर बाहर जहाँ जहाँ पे उस बैकग्राउंड का कलर दिख रहा था उस पे मैं क्लिक करूँगा, तो वो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इस तरह से ड्रैग किया नीचे, अब क्या हुआ देखिए, पहले का जो कलर दिख रहा था वो हट गया। इसी तरह से आप, इस तरह से आप कर लें, जो भी बैकग्राउंड पहले का दिख रहा था अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा है यहाँ, यहाँ आप इस तरह से हटा लें, देखिए हट गया। तो इस तरह से आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप रिफाइन कर सकते हैं, आप थोड़ा यहाँ भी कर लें। अब आपका जो ये हुआ है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ भी दिख रहा है, आप यहाँ भी कर लें। चलिए, तो अब हमारा ये जो रिफाइन हुआ, अब ओके कर लें, आप यहाँ पे आकर के ओके कर लें। अब देखिए क्या हुआ है, एक हमारा, क्योंकि मैंने न्यू लेयर सिलेक्शन किया था तो ये इमेज हमारे एक न्यू लेयर पे क्रिएट हो जाएगा, रिफाइन एज हो रहा है, अभी थोड़ा सा वेट कर लें बस। तब तक दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। फ्रेंड्स, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल तो उससे फ़ायदा ये होता है कि मैं जो भी वीडियोस इस पे ट्यूटोरियल्स डाल रहा हूँ वो आप तक इन्फॉर्मेशन उसकी पहुँचती रहे। तो यहाँ देखिए कंप्लीट हो गया है, ये हमारा एक न्यू लेयर पे रिफाइन होकर आ गया ऊपर में। अब ये जो फोटो जिसका मैंने रिफाइन एज किया है इसको आप यहाँ से डिलीट कर लें, इसको डिलीट कर लें। अब ये बैकग्राउंड पे है, इसे भी आप चाहें तो डिलीट कर लें। अब आपका ओरिजिनल दो फोटो है, ये और ये, इन दोनों को आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए मैंने बताया था कंट्रोल शिफ्ट एस करके आप एक तो PSD फॉर्मेट में सेव कर लें और एक PNG फॉर्मेट में, जैसे कंट्रोल शिफ्ट एस मैंने किया है, कंट्रोल शिफ्ट में तो PSD का ऑप्शन तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मिल जाता है मुझे, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। तो ये फोटोशॉप, अब ये सेव हो जाने के बाद फिर क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे और यहाँ पे चेंज कर लेंगे, जेपेक कर लेंगे या PNG कर लेंगे। तो चलिए जेपेक कर लेते हैं, ये हमारा सेव हो गया। तो इस तरह से आप फाइल को बनाएं और सेव करें। अब यहाँ पे बहुत इजी वे में आप देख सकते हैं कि ये जो बाल है अलग अलग आसानी से आपका दिख रहा है, लेकिन अगर आप पेन टूल से क्या इस तरह से सिलेक्शन बनाएंगे तो बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए रिफाइन एज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।